दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फोर जो कि क्लास नाइन्थ एनसीआर टी चैप्टर ग्राविटेशन से लिया गया है इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू इच अदर बाई ग्रैविटेशन फोर्स डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर देन और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ तो हमें बोला है गया है कि अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अगर अर्थ ये हमारी अर्थ हो गई और एक हमारा हो गया मून तो अगर अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये बताना है कि मून और अर्थ एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं अर्थ का जो फोर्स है वो जो अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ग्रेटर स्मॉलर या सेम फोर्स जो कि मून लगा रहा है अर्थ पे तो हमें बताना है बेसिकली इन दोनों के बीच में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो क्या होता है अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को और मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मून को ये ए फॉर अट्रैक्शन हो गया और मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को ठीक है दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो फोर्सेज होते हैं इनके फोर्सेज क्या होते हैं दे एग्जर्ट दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस तो इनके बीच में जो फोर्स होता है किसी का भी ज़्यादा और कम नहीं होता इनके ऊपर ये अर्थ मून पे जो फोर्स लगाते हैं वही मून अर्थ पे लगाता है बट इनके फोर्सेस कैसे होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं और फोर्स का हमारे पास फॉर्मुला भी क्या होता है फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इजिक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जहाँ पे एम वन क्या होता है एम वन होता है मास ऑफ वन बॉडी जो कि हमारी इस केस में हो गई अर्थ एम टू हो गया हमारा मास ऑफ द अदर बॉडी जो कि इस केस में हमारा हो गया मून और आर स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और कैसा